जय हिंद दोस्तों, वेलकम टू ज्योतिर्मय। आज हमारे साथ दो खास मेहमान, एक यास्मीन हफीज जी जो अपना चैनल यास्मीन जी के नाम से ही चलाती हैं, और दूसरा जुनैद भाई, इंडियन इनसाइड विद जुनैद। मैं काफी इंप्रेस रहता हूँ इस नाम से, इंडियन इनसाइड से खासकर। ये दो हमारे आज के गेस्ट हैं और हम तीनों मिलकर डिस्कस करेंगे पाकिस्तान्स फिफ्थ जनरेशन वॉर जो इंडिया के अगेंस्ट छेड़ रखी है। खासकर उसमें हम नैरेटिव वॉर, और नैरेटिव वॉर का भी एक पर्टिकुलर सेक्शन यूट्यूब, और यूट्यूब पे डिस्कस करना इसलिए ज़्यादा ज़रूरी है आज के दिन क्योंकि एकदम से पिछले कुछ टाइम में हमने देखा है कि जस्ट विद इन वन और टू ईयर्स, चलो मैक्सिमम थ्री ईयर्स भी ज़्यादा बता रहा हूँ, एकदम से पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स उठ खड़े हुए। और पहले तो क्या होता था कि वो पाकिस्तानी रिएक्शन चैनल्स इंडिया की वीडियोस बैठकर देखते और उसके ऊपर रिएक्शन देते और लास्ट में थोड़ा सा डिस्कशन करते। जहाँ तक मुझे, मैं नाम नहीं याद आ रहा, मुझे एक हस्बैंड वाइफ है या कौन है मुझे नहीं पता, या एक लड़का और एक लड़की बैठे रहते थे और वो पूरे वीडियो को देखते और लास्ट में रिएक्शन देते और बात करते कि देखा कितना इंडिया तरक्की कर गया एंड ऑल। इसका ये मेरे हिसाब से वो पहला लेवल था जहाँ इंडिया को क्यूरियसिटी से देखा जाने लगा कि इंडिया आगे निकल गया। उसके बाद इंडिया की इसी तरक्की को बेचते हुए कुछ लड़के लड़कियां, यंगस्टर्स, पॉसिबली मैं अगर नाम सही ले पा रहा हूं तो, और उसके बाद नाम वो क्या कहते हैं उसको, और सारे जितने भी ये सड़क पे उतरते हैं और कोई ना कोई वीडियो मोबाइल पे दिखाते हैं और सामने वाले का रिएक्शन लेते हैं। उनमें से जैसे जैसों के रिएक्शन आते हैं, उनके छोटे छोटे वीडियो क्लिप्स बना के, जो थोड़े इडियोटिक टाइप के लोग, मतलब लोग कुछ इडियोटिक बात करते हैं उसके लिए और सब चीज़ें। पहले अच्छा, उसका फर्स्ट लेवल क्या था? उसका फर्स्ट लेवल ये था कि इंडिया के बारे में सवाल पूछते और सामने वाला कोई जवाब देता और ये सुन के आ जाते। ये पहला लेवल था, एक तो रिएक्शन था, एक पहला लेवल ये आया। दूसरा लेवल ये आया कि उसके बाद जब इंडिया की तरफ से भी एक दो वीडियोज आए, खासकर डीडी रिएक्ट वाला जो हमारे आलोक रंजन जी चलाते हैं, उसके अंदर उन्होंने उनको काउंटर करना शुरू किया कि तुम्हारी ऐसी तैसी, तुम ऐसे कैसे बोल सकते हो। जब ये काउंटर करना शुरू किया तो वहां पर भी उन पर दबाव आया, तो उन्होंने भी इस चीज को काउंटर करना शुरू किया और सामने वाले से पूछता कि भाई देखो ये इंडिया की वीडियो है, वो कहां पहुंच गए, तुम कहां रह गए। तो उनमें से फिर वही वाली बात है, उनकी बहुत सारी इडियोटिक बातें एकदम से सामने आने लगी। और जब वो सामने आने लगी तो वहां ये जो काउंटर करने वाले थे ये सबसे ज्यादा चले, और इसमें सबसे आगे अब ये एक काउंटर नैरेटिव वाली जो बात थी और ये काउंटर बात करने वाली थी, वो चीज इंडियंस को बहुत पसंद आई। और जहां तक मुझे पता है, और मैं एक दो वीडियो चैनल वाले ने बड़ा इमोशनल होकर मुझे वो भेजा भी, नाम मैं उसका नहीं लेना चाहूंगा, पर्सनल है, कि सब हमारा 97% व्यूअर जो है YouTube पे वो इंडियन है। अब 97-98% व्यूअर इंडियन है, तब मेरे दिमाग में एक बात खटकी। अब वो खटकी क्यों? क्योंकि थोड़ा पाकिस्तान है तो हमारे को थोड़ा संभल के रहना चाहिए। मेरे दिमाग में बात खटकी तगड़ी कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो सकती है, कि पाकिस्तान की सरकार ऐसे कैसे अलाउ कर सकती है, जो पाकिस्तान की सरकार इंडिया को इंडिया के नाम पर, जरा सा अगर नाम अच्छा ले लिया जाए तो उनकी आंखों में खून होता है, और अगर ज़्यादा तारीफें सुन ले तो कानों से भी खून निकलना शुरू हो जाता है। उस पाकिस्तान के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, जो क्या नाम है लाहौर के अंदर, और मुजफ्फरनगर या मुजफ्फरपुर ऐसे कुछ जो भी शहर है उसके अंदर, कराची के अंदर, इस मुजफ्फराबाद के अंदर, इन सब जगहों पर ये लड़के लड़कियां खुले तौर पर घूम रहे हैं, और जिस तरीके से घूम रहे हैं और खुलकर रिएक्शन ले रहे हैं, कोई इन्हें प्रॉब्लम नहीं आ रही, बल्कि आराम से घूम रहे हैं। या तो हमारे पास पाकिस्तान की इंफॉर्मेशन गलत है, या फिर इन लोगों को कुछ ऐसा प्रोटेक्शन मिला हुआ है, एक ऐसा प्रोटेक्शन जो कि मतलब सरकार ही चाहती है इनको करवाना। फिर बीच में दो काम हुए, दो बड़े ही अलग काम हुए, और जो कि इन यूट्यूबर्स ने किया। पहला इन यूट्यूबर्स ने पहला काम ये किया, एक केस हुआ था आरजू काजमी जिसमें इन्वॉल्व थी, रोहित शर्मा जिसमें नाम उछला गया, और मामला था दाऊद इब्राहिम के मरने का, कि जी दाऊद इब्राहिम मारा गया। और मजे की बात यह कि वो खबर रोहित शर्मा के चैनल से उछाली गई, और रोहित शर्मा का एलिगेशन था कि मुझे वो खबर आरजू काजमी ने बताई। आरजू काजमी कहती है मुझे ये खबर रोहित शर्मा ने बताई।
अब यह मुझे नहीं पता दोनों में से किसने बताई, और जहां तक मुझे पता है पाकिस्तान से ही कोई खबर आई होगी, लेकिन यूज किया गया इंडियन यूट्यूबर्स को और पाकिस्तानी यूट्यूबर्स को इस चीज पर डिस्कस करने के लिए कि भाई दाऊद इब्राहिम मारा गया। उसमें नैरेटिव आया कि मारा गया, दूसरा काउंटर नैरेटिव आया कि नहीं मारा गया। सवाल ये नहीं था, सवाल ये था कि उस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में इमरान खान की एक रैली होने जा रही थी, रैली, और ऑनलाइन रैली थी क्योंकि पाकिस्तान का वो जो इमरान खान था वो तो जेल में था। तो YouTube के ऊपर ही जो रैली होने जा रही थी उसमें लोगों को समझाने की कोशिश थी कि अल्टीमेटली हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। उस पर्टिकुलर डे इंटरनेट डाउन था, एक, दूसरा पूरे पाकिस्तान में इंटरनेट डाउन था, और दूसरा जानबूझकर इंडिया में वो खबर ना चले तो इंडिया के यूट्यूबर्स को उलझा दिया, इंडिया की इवन मीडिया को उलझा दिया, और दोनों तरफ से उलझ गए। अब इसका असर क्या हुआ? इसका असर ये हुआ, तो पॉसिबली टेस्ट करने के लिए असर ये हुआ कि पाकिस्तान के अंदर जब मसूद अजहर मारा गया या उसकी खबर आई, तो हर इंडियन यूट्यूबर, खासकर यूट्यूबर और इवन मीडिया, यानी मीडिया और सोशल मीडिया दोनों उस खबर को उठाते हुए डर रहे थे कि कहीं ऐसा ना हो कि ये भी एक तरीके का ट्रैप हो। यानी मुझे ऐसा लग रहा है कि वो पहली बार वो इस एक्सपेरिमेंट को एक हद तक सही लेकिन कामयाब हो गए करने के लिए। लेकिन उसके बाद तीसरा एक खेल अलग ही हुआ और उसमें ज्यादा फंसे, और वो था शोएब चौधरी का गायब हो जाना, अली हमजा से उसकी लड़ाई और तीन दिन के लिए गायब हो जाना और पता नहीं कहां, और बंदे ने एक FIR तक नहीं लिखवाई, कोई दिखाया नहीं, आया और आलोक जी के चैनल पे आके उल्टा सीधा एक्सप्लेनेशन देके चला गया। उसके बाद उससे कोई सवाल पूछने वाला नहीं। बस ये है हमारा जो इंडियन मीडिया है या इंडियन व्यूअर है वो उसको एक पाकिस्तानी भगत सिंह की फॉर्म में देखता है कि देखो किस तरीके से। लेकिन मुझे डर है, और ये यही रीजन है कि अब ये इंट्रोडक्शन तो लंबा हो गया, लेकिन रीजन ये है कि मैं इसे फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की तरह क्यों देखता हूं, क्योंकि जब ये डिस्कशन शुरू हुआ और एक दो जगह मैंने भी सवाल उठाए, मैंने तो बल्कि 5 सवाल उठाए थे और 5 सवालों का जवाब देने की, मैं यही कह रहा हूं भाई FIR दिखा दे, तूने क्या क्या कदम उठाए वो दिखा दे, और वो पुलिस स्टेशन इतना अंधेरा क्यों था और सब चीजें वो उठाए, 5 सवालों में से एक भी सवाल का जवाब नहीं। लेकिन जब मैं ये सवाल उठा रहा था तो मैंने ये देखा कि इंडियन बहुत सारे हमारे व्यूअर्स ही मुझे कह रहे हैं कि तू होता कौन सवाल उठाने वाला, ये गजब था। वहां से मुझे ध्यान आया कि यार कहीं ऐसा तो नहीं कि ये जो मिलियंस ऑफ व्यूज, मिलियंस ऑफ सब्सक्राइबर्स लेके बैठा रहने वाला बंदा है, इसको अगर ISI चाहे तो थोड़े से नैरेटिव सेट करके इस बंदे से कोई डिसइंफॉर्मेशन या ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन, डिसइंफॉर्मेशन में और ट्विस्टेड इंफॉर्मेशन में फर्क होता है कि एक इंफॉर्मेशन को इस तरीके से फैलाया जाए जिससे लोग भड़कें, वो सही का एक पहलू हो, सही का एक पहलू गलत तरीके से पेश किया जाए जैसे जिससे इंडिया में प्रॉब्लम क्रिएट हो। और मेरा वहां से, हम तीनों का खासकर, और उसमें आज जावेद भाई की मदर की तबीयत खराब है, वो हॉस्पिटलाइज हैं कश्मीर से, उनको भी मैंने निमंत्रण दिया था, वो भी आने वाले थे, तो हम सबका ये ओपिनियन था कि हम इस चीज पर डिस्कशन करें। तो अब मैं यहाँ जुनैद भाई से शुरू करना चाहूंगा कि जुनैद भाई ये था क्या पूरा, हालांकि मैंने बहुत लंबा इंट्रोडक्शन दे दिया, उसके पीछे समस्या यही है कि मैं खुद भी कहीं ना कहीं करता रहता हूं। तो आप बताइए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर, आप बताइए कैसे है, किस तरीके से आपको लगता है कि हाँ, और कुछ तो कॉन्स्पिरेसी थी और जरूर थी। सर पहले तो बहुत बहुत थैंक यू कि आपने इस टॉपिक पे बात करने की शुरुआत की, और बहुत बड़ी बात है, इस तरह के टॉपिक्स पे जनरली लोग अवॉइड करते हैं बात करना। दूसरी बात, आपका नैरेशन बहुत इंपॉर्टेंट था ताकि लोगों को कॉन्टेक्स्ट समझ में आए कि चीज़ें चल क्या रही हैं। जो लोग इनके वीडियोस देखते हैं, नॉट ऑल आर इन्वॉल्व इन दिस, लेकिन काफ़ी सारे इन्वॉल्व हैं। तो जो लोग इनके वीडियोस देखते हैं दे शुड बी केयरफुल, और जो लोग नहीं देखते उनको बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी के साथ अगर हम शुरुआत करें तो फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर जो है वो एक हाइब्रिड फ्यूजन है काफ़ी सारे फॉर्म ऑफ वॉरफेयर का। उसमें नैरेटिव मैनिपुलेशन, डिसेप्शन, साई ऑप्स, ठीक है ना, इसके अलावा प्रॉक्सी वॉर, डिप्लोमेटिक आइसोलेशन, ये सारा फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का एक फॉर्म होता है। फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर का जो नेचर होता है वो नॉन काइनेटिक होता है, मतलब आपको बॉर्डर पे कोई फौज नहीं दिखाई देगी,
तो बिना जंग लड़े लड़ाई लड़ी जाए। दुनिया में हर लड़ाई जंग के मैदान में नहीं लड़ी जाती, कुछ लड़ाइयाँ लोगों के दिमाग में भी लड़ी जाती हैं, सोसाइटी में लड़ी जाती है, कोहेजन क्रिएट करके, लोगों के अंदर जो डिस्प्यूट को रेज करके, तो ये चीजें हो रही होती है। और इसमें सोशल मीडिया जब से आया और उसके ऊपर एआई की जो स्टेट ऑफ द आर्ट बहुत सारी टेक्नोलॉजी आई है, जिसमें कि आप एआई के थ्रू कोई भी इमेज जनरेट कर सकते हैं, जिसपे पीएम मोदी जी भी चिंता व्यक्त कर चुके हैं कि एक फेक सा मोदी जी का वीडियो किसी ने बना के डाल दिया था और मोदी जी गरबा खेलते हुए डांस कर रहे थे, जो कि एक्चुअल वीडियो नहीं था, फिर मोदी जी की ऑडियो में लोग गाने बना देते, सुनने में अच्छे लगते, हमें भी अच्छे लगते, हम भी सुन रहे होते, लेकिन वो कितना खतरनाक हो सकता है कल को अगर मोदी जी की वॉइस को यूज करके कोई आवाज रिकॉर्ड करा के भेज जाए अगर, और एक सपोज एक टेंस सा सिचुएशन हो किसी कंट्री में, किसी रीजन में, कंट्री के किसी रीजन में, ऐसे में मोदी जी का एक एआई जनरेटेड वॉइस अगर व्हाट्सएप पे सर्कुलेट होने लगे, इसे ऐसे कर दिया जाए कि मोदी जी की वॉइस में एआई के थ्रू एक ऐसा मैसेज डेवलप करवा दिया जाए कि ए हिंदू खड़े हो जाओ और मारो। हाँ बिल्कुल, तो उसके बाद तो बहुत क्या? बिल्कुल, ये बहुत हमारे लिए सरकार डैमेज कंट्रोल करेगी तब तक तो हो लिया डैमेज। बिल्कुल, तो ये एक चिंता है, लेकिन इसके ये एक पूरा फिफ्थ जनरेशन का एक ब्रॉड पिक्चर है, लेकिन उसमें एक छोटा सा पार्ट ये भी प्ले करते हैं जिस टॉपिक को हम आज बात करना चाहते हैं। तो आपने बिल्कुल सही शुरुआत की कि हाँ लोग आए कैसे इमर्ज हुए, लेकिन अगर आप पाकिस्तान की सोसाइटी को अगर आप क्लोजली मॉनिटर करो, जो कि मैं काफ़ी टाइम से कर रहा हूँ, तो इनकी सोसाइटी में 80s से ही लोगों को ह्यूमन साइकोलॉजी सिखाने पे जोर दिया जा रहा था, और इनके यहाँ जो हुंजा यूनिवर्सिटी है मनसेरा में, उसके अलावा एक फैसलाबाद में भी एक काफ़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ह्यूमन साइकोलॉजी को सिखाया जाता, इस्लामिया यूनिवर्सिटी पेशावर, और लाहौर में भी दो तीन यूनिवर्सिटीज़ हैं, अबोटाबाद में एक यूनिवर्सिटी है, कराची में इस लेवल का नहीं है, लेकिन ओवरऑल अगर आप कंट्री में देखें तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ह्यूमन साइकोलॉजी लोगों को सिखाया जाता है। और अगर उसके कोरिकुलम को अगर आप चेक करें और कंपेयर करें, तो यूरोप के जो टॉप इंस्टीट्यूट है उनके कंपेरिजन में वो बैठता है, किसी भी मुकाबले में कम नहीं है। अब मैं ये इसलिए बताना चाहता हूँ कि जो डिसइंफॉर्मेशन के लिए वो जो चीज़ें बता रही होते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको अप्लाई करना है, वो सारी चीज़ें मैं कनेक्ट कर पाता हूँ। जो कपल के बारे में आप बात कर रहे हैं, वो कपल वो चीजें कर रहे होते हैं, जैसे कि लोगों से पर्सनल कनेक्ट बनाना, ठीक है, वो कर रहे होते हैं, अपने डेली लाइफ के बारे में कुछ भी पर्सनल बातें बताना कि मैं इधर गई थी तो ये हुआ था, उधर गई थी तो ये हुआ था, जो कि हम और आप नहीं कर रहे होते अपने पर्सनल लाइफ के बारे में, प्रोफेशनल वीडियो के अंदर नहीं कर रहे होते। फिर अपना बैकग्राउंड इस तरीके से क्रिएट करना, कस्टमाइज करना, और जिस ऑडियंस को आप टारगेट कर रहे हो उस ऑडियंस को देखते हुए पीछे बुक सेल्फ रखना और बुक रखना, गौतम बुद्ध की मूर्ति रखना, क्योंकि भारत में बहुत सारे लोग हैं जो लोग किताबें पढ़ते हैं उनको एक अच्छा इंसान मानते हैं कि चलो ये ज्ञानी आदमी है, और हमारे यहाँ ज्ञान की हमेशा से पूजा होती है, ठीक है, तो एक ऐसे लोगों को आपने अपने तरफ अट्रैक्ट कर लिया, फिर आप गौतम बुद्ध के मूर्ति के थ्रू एक ठीक ठाक ऑडियंस को आपने इंगेज कर लिया, लोगों के हिंदुओं को अपने घर में बुला के डिनर करवाना, तो लोगों के सबकॉन्शियस माइंड को आप सबकॉन्शियसली आप कंट्रोल कर रहे हो कि हाँ देखो, और लेजिटिमेसी दिला रहे हो, ठीक है। तो ये चीजें जो है वो ह्यूमन साइकोलॉजी के लेसन लर्न से होके आती हैं। खतरा क्या है, देखिए, अगर ये जो लोग लाए गए हैं, मैं फिर बोलना चाहूंगा इसमें 100% सभी नहीं है, ऊपर के जो टॉप के जो जर्नलिस्ट है ये 100% है, और नीचे जो जो बच्चे आए हैं आजकल के यूथ के, इसमें से एक दो को छोड़ के बाकी कोई नहीं है, ठीक है ना। और आप समझ लो कि जिसको जितनी औकात मिल रही है, जिसकी जितने सब्सक्राइबर्स है, व्यूअर बेस है, उसी हिसाब से उसको परमिट होता है कि क्या आप बोल सकते हो क्या नहीं बोल सकते हो, सीधी सी बात है। तो ये मैंने एक बेसिक पैरामीटर के थ्रू आपको समझा दिया कि आप किसको वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन आदमी क्या है क्या नहीं है। हो सकता है लोग मुझे भी ट्रोल करें, हालांकि मुझे इससे कोई बहुत ज्यादा फर्क पड़ता नहीं, हमें तो बेसिक को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हम तीनों है ना गोते खा चुके हैं ट्रोलिंग के। तो बेसिकली ये जो लोग लाए जाते हैं, इनके लाने का बहुत लाने से बहुत सारे ऑब्जेक्टिव फुलफिल होते हैं। पहले तो आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं,
एक सपोज एक आदमी जिसने एक सोसाइटी में रह के बहुत ज्यादा पेन झेला हो, पाकिस्तान में रह के सपोज आरिफ अजाकिया जी काफी सारा टॉर्चर झेला हो और आज भी खतरे में रह से खाली नहीं उनकी जिंदगी, ऐसा आदमी कितनी भी कोशिश कर ले कि एक स्टेट के मुकाबले बहुत ज्यादा कुछ नहीं कर सकता, ठीक है ना, क्योंकि जो जिस लेवल पे अगर आपको नैरेटिव को क्रैक करना हो तो जितने आपको रिसोर्सेज चाहिए वो आप अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में आप नहीं लगा सकते, ठीक है, और टाइमली इन्फॉर्मेशन सबसे इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि वीडियो अक्सर उन्हीं की उठती है जो पहले वीडियो बनाते कोई भी करंट अफेयर्स पे, अक्सर ऐसा देखा गया। तो ऐसे टाइम में ये जो यूट्यूबर्स है इनको स्टेट सपोर्ट करती है, इन्फॉर्मेशन एडवांस में ला के दे रही होती है कि आप ये इन्फॉर्मेशन चलाओ भले ही हमारे खिलाफ हो लेकिन चलाओ ताकि लेजिटिमेसी मिले, और ऐसे करके आप फ्लो ऑफ इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करते हो और जो लेजिटिमेट लोग हैं उनको रोकते हो और अपने नॉन लेजिटिमेट लोग सामने लाते हो और एक स्लो सटल वे में अपना धीरे धीरे महीने में एक बार कुछ बोल दिया, दो महीने में कुछ एक बार बोल दिया, ऐसे करके अपना नैरेटिव चला रहे होते हो। तो एक साथ आपने दो शिकार कर लिया। इसके अलावा जो ग्राउंड जो टीम है जो ग्राउंड पे जाके पब्लिक ओपिनियन ले रही होती है, अगेन आई एम नॉट से अगेन आई एम सेइंग कि 100% ऐसे इसमें से नहीं है, इनका क्या काम ये कैसे आपके साथ, हाँ ये कैसे आपके साथ खेलते हैं, जैसे सपोज आज के टाइम में ये हमारे लिए भी प्रॉब्लम है क्योंकि मैं इतना तो मान के चलता हूँ कि बहुत कम ही लोग होंगे जिनके ग्राउंड पे सोर्सेज होंगे, ग्राउंड पे लोगों से बातचीत होती होगी, ठीक है, तो लोगों के माइंडसेट को समझने का और कोई टूल नहीं है लोगों के पास सिवाय पब्लिक रिएक्शन के। तो जो परसेप्शन है जो निकल के आ रहा है पब्लिक रिएक्शन के थ्रू, वो परसेप्शन आप कभी भी चेंज कर सकते हैं। सपोज आपको परसेप्शन दिखाना है कि लोग बदल चुके हैं, लोग तो चाहते हैं कि भारत और पाकिस्तान एक हो जाए, दोस्ती हो जाए, अमन हो जाए, हम तो चाहते हैं, हम तो एक जैसे लोग हैं, तो ये परसेप्शन भी आप पोर्ट्रे कर सकते हैं और ये भी परसेप्शन पोर्ट्रे कर सकते हैं कि नहीं जी हम तो बिल्कुल नहीं चाहते कि दोस्ती हो। तो ये डिसाइड होगा जीएसक्यू पे कि क्या कौन सी नैरेटिव को पुश किया जाएगा, ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास खतरा है। अब तीसरी सर चले गए क्या? हाँ हो सकता है कॉल है, ठीक ना। तीसरी चीज ये है कि आप जो ये जो आप जब काम कर रहे होते हो अपनी लेजिटिमेसी गेन कर रहे होते हो, कई लोग हैं जो अपने बेटी मान रहे होते हैं कमेंट सेक्शन में जाके कि तुम तो मेरी बेटी जैसी हो, ठीक है, और वो उस कमेंट को पिन कर रहे होते, ठीक है, हु इज एक एक करके वीडियोज पार्ट वन पार्ट टू पार्ट थ्री बन रहे होते, ठीक है, तो ये खतरा है लोगों के माइंड पे, आपने कंट्रोल बना लिया है। देखा जाए तो 10 लाख के आसपास की ऑडियंस है इस तरह के वीडियोस जो देखती हैं और 10 लाख फिर भी बहुत अच्छी पॉपुलेशन है, और अगर इतने पॉपुलेशन की अगर माइंड को अगर आपने कंट्रोल कर लिया तो बहुत मालदीव्स बन जाते हैं। और ये 10 लाख हमें लगते हैं मेरे हिसाब से, मैं पता है क्या इसको मैं एग्जाम्पल की फॉर्म में, दादाजी ने तो वाट लगा दी, बुला के तचियां उड़ा दी। मुझे ये समझ में नहीं आता जहां आप इस्लाम और आर्मी के नाम पे रत्ती भर भी नहीं बोल सकते वहां प्रधानमंत्री को नहीं बख्शा गया, आपको कैसे बख्शा गया? इसका सीधा मतलब है कि एक हाई लेवल की गवर्नमेंट अथॉरिटी या मिलिट्री अथॉरिटी उसको प्रोटेक्ट कर रही है कि आपको जो बोलना है बोलो, और मैं इनडायरेक्टली बोल रहा हूँ लेकिन डायरेक्टली बोल दूँ तो एक ब्रिगेडियर रैंक का बंदा होता है जो इनको हेल्प आउट कर रहा होता है और वो आसपास के थाने चौकी और जो उलमा होते हैं उनको एडवांस में बता रख चुका होता है कि इसको कुछ हाथ मत लगाना, ये हमारा काम कर रही है, ठीक है, एंड आई स्टिल हैव रिस्पेक्ट फॉर देम कि जो वो जो कर रहे हैं अपने कंट्री के लिए कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ जो लोग जो उनके ट्रैप में फंस जाते हैं उनके साथ बैठ के वीडियो कर रहे होते हैं, अभी वो भाई साहब जो दाऊद की खबर में उनके साथ इन्वॉल्व थे, अभी उनका वो जो पहले जो सिलसिला चलता था कि बैठ के हाँ हाँ ही ठा के चल रहे होते थे, अभी वो बंद हो चुका अभी वो, ठीक है, तो एक को बलि चढ़ा दिया, हाँ उनकी क्रेडिबिलिटी एक झटके में खत्म कर दिया उन्होंने एक झटके में, तो वो तो अपने कंट्री के लिए उसको जो करना था उसने कर लिया लेकिन आप इस्तेमाल हो गए उसके चक्कर में, ये खतरनाक बात है। जी सॉरी, बाकी आसमीन जी आप कुछ ऐड करना चाहे तो ऐड कर। अच्छा, फिर मैं अब यही चीज मैं इसमें जोड़ता हूं
कि ये एक नैरेटिव चालू हो गया, एक हमारे सभी दर्शकों को देखना चाहिए कि नैरेटिव कैसे सेट हुआ। अब यास्मिन जी, हाँ बिल्कुल, पहले आप जोड़िए फिर डिस्कशन आगे बढ़ाते हैं। आपका इस मामले में क्या ओपिनियन है? आप तो बल्कि एक तरीके से आपको तो पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का बायकॉट झेलना पड़ रहा है। बिल्कुल। और मैं अपने सभी दर्शकों को बता दूं एक एक चीज कि यास्मिन जी वो हैं जिन्होंने उनके यूट्यूब चैनल पर बैठकर खड़ी कर दी थी, और आज के दिन उसके बाद पूरी की पूरी पाकिस्तानी जो ट्रोल आर्मी है वो इनके पीछे पड़ी और यूट्यूब की गर्दन उड़ा दी, या यूं कहें यूट्यूब को डुबो दिया। और आज के दिन इनको यहां अपने चैनल पर बुलाने के पीछे का रीजन ये है कि मेरे को इन्होंने कहा भी कि कहीं ऐसा ना हो, अभी डिस्कशन से पहले जुनैद भाई भी कहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो चैनल, अरे भैया चैनल बाद में, पहले उनकी ऐसी तैसी जो देश के दुश्मन है। और हमारे देश के लोग ही अगर इस टाइम पर हमारे साथ नहीं खड़े होंगे तो इसका सीधा मतलब ये है कि भाई फिर तो हम लोगों की बलि चढ़नी चाहिए और ताकि पिद्दा सा आतंकवादी देश हमारे सर पे चढ़ सके। हाँ यास्मिन जी, आप पहले अपना बताइए कि हुआ क्या था और फिर आपके अपना ओपिनियन बताइए। जी जी, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया सर, आपने हमें ये मौका दिया कि हम यहाँ ये बात कर सकते हैं इतने इंपॉर्टेंट मुद्दे पर, जिस पर कि अभी बात करने से लोग बचते हैं और अगर उनके खिलाफ बात भी करो तो हमें, हमारे देशवासी दुश्मन मान लेते हैं। जैसे कि आपने भी कहा था कि कौन होता है, तो इस तरह के बहुत ही घटिया कॉमेंट हम लोगों को झेलने पड़ते हैं, आपको और हम सबको। इश्तियाक साहब का जो हुआ था वो मैंने आपको, मैं वीडियो शायद सेंड कर चुकी हूँ और हमारे व्यूवर्स ने भी देखा था, और वैसे मेरी बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, मुझसे बात करते हैं, उस चीज़ों को जब शेयर करते हैं, लेकिन वहाँ मुझे थोड़ा ये सर का खटका था जो उन्होंने मेजर गौरव आलिया सर का जिक्र किया, वो तमाम चीज़ें की, तो वो मैं समझ नहीं पाई थी। बेसिकली मैं बलूचिस्तान के मुद्दे पे बात करना चाह रही थी, लेकिन वो सारी बात जो थी वो भारत के ऊपर आ जा रही थी कि भारत से ऐसा होता है तो उसका पहले जवाब हमें चाहिए। तो वो चीज़ें जिस तरह से हुई हमारे ऑडियंस ने भी देखी थी, और इश्तियाक साहब ने भी, वो उन्होंने मुझसे वीडियो तो वो मांगते ही हैं, खैर उन्होंने कहा था कि पूरा वीडियो ये मुझे सेंड कर दो ताकि मैं इसे अपने चैनल पर पोस्ट कर सकूं। तो यहाँ पर मुझे एक ये चीज़ समझ में आई कि पाकिस्तान में एक बहुत ही, मतलब हैरान हूँ मैं ये बात सोचकर के जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग भी हैं, तो उनके जहन में भी एक अनऑफिशियल स्टेटमेंट को लेकर किस तरह से पाकिस्तान में माइंडसेट तैयार किया जाता है पाकिस्तानी नौजवानों का। भारत में जिन चीज़ों के बारे में हम बात करते हैं, जो हम तरक्की पसंद बात करते हैं या कुछ भी करते हैं, तो पाकिस्तान में उसको, उसके अपोजिट, उसके बरक्स किस तरह से चीज़ें दिखाई जाती हैं। तो वहाँ मुझे ये चीज़ भी समझ आई कि यहाँ तो पाकिस्तान को बहुत वर्क करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो जिनको वर्क कराना है कहीं ना कहीं वो खुद उलझे हुए हैं। वो चीज़ अभी आपने जैसे आरजू कादमी साहिबा का जिक्र किया, जिनेद भाई ने और जो यूट्यूबर्स का जिक्र किया है, और यहाँ पर आप लोग एक बात कह रहे थे, खास करके जिनेद भाई ने कहा कि जो बाकी हैं वो बच्चे हैं, तो जिस तरह के बच्चे पाकिस्तान में सो कॉल्ड बच्चे जो हैं वो हरकतें कर रहे हैं, तो भारत के बच्चे भी ऐसी हरकतें ना करें। जिस तरह की चालाकियां, चालबाजियां वो लोग करते हैं और जो उनके स्टेटमेंट होते हैं, जो उनकी बातें होती हैं, बहुत घुमा फिरा के होती हैं। अब किसी भी लड़ाई का एक प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता है, क्या होता है कि हम अपनी विल किस तरह से सामने वाले के ऊपर थोपें। आप यहाँ पर फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर की बात कर रहे हैं, हम तो कहेंगे हम उससे भी आगे बढ़ चुके हैं, हम सिक्स जनरेशन वॉरफेयर में जा चुके हैं। जैसे पहले क्या होता था, दो लोगों के बीच में लड़ाई हो रही है, तो अगर किसी के 50 आदमी है, किसी के 100 आदमी है, तो जाहिर सी बात है जिसकी मेन पावर ज्यादा है वो जीतता था। फिर इसमें थोड़ा और विकास हुआ, टेक्निक आई, नई नई तकनीकी आई, तो जिसके पास तकनीक थी उसके लोग कम भी हुए वो जीतते थे। फिर थर्ड जनरेशन इसमें हुआ, स्ट्रेटेजीज आई, इन्फिल्ट्रेशन को, जैसे कि ट्रॉय की कहानी है, उसमें आपने देखा भी होगा वो किस तरह से घोड़े के अंदर सैनिक छुप कर आते हैं और वो वहां पर इन्फिल्ट्रेट करते हैं, वो किस तरह से वो वहां जीतते हैं। फिर आप देखिए फोर्थ जनरेशन में क्या हुआ। ये यहाँ पर हमारे दर्शकों को समझना जरूरी है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन सिक्स जनरेशन जो सुनते रहते हैं, बेसिकली इसके पीछे खेल क्या चल रहा है। और भारत एक बहुत बड़ी आबादी का मुल्क है, ये मिनटों में यहाँ आग लगाई जा सकती है, मिनटों में किसी भी चीज को लेकर अवेयर भी किया जा सकता है और मिसगाइड भी किया जा सकता है, क्योंकि हम फिफ्थ से भी आगे बढ़ चुके हैं, यहाँ हम सिक्स जनरेशन वॉरफेयर में आ चुके हैं। जैसे कि अजीत डोभाल साहब का मैं जिक्र भी करूंगी, उन्होंने इस बात पे खुल के बात भी की थी। फिर आप देखिए फोर्थ जनरेशन में इस तरह से आते गए, नॉन स्टेट एक्टर्स, उन्होंने जगह ले ली। अब ना वहां पे कंट्री ए के सैनिक लड़े, ना वहां कंट्री बी के सैनिक लड़े, बस आपस में जो नॉन स्टेट एक्टर्स है वो लड़े, वो टेररिस्ट एक्टिविटीज करें, और उसमें वो गुड टेररिज्म बैड टेररिज्म की डेफिनेशन में पाकिस्तान हमें उलझाता है, जिसका भारत जीरो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ मुंह तोड़ जवाब देता है। फिर आप देखिए फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में आए, जहां पर जो आइडियाज थे उनको वेपनाइज किया गया, कि जो आपके आइडियाज हैं तो आप क्या करेंगे कि वॉरफेयर ऑफ ऑन डेमोक्रेसी होगा, यहाँ पे ह्यूमन राइट पे वॉरफेयर होगा, जो जो आपका ट्रेड होगा उसे वेपनाइज किया जाएगा। जैसे हमारा अभी रिसेंट एग्जाम्पल आप देखें, कुछ साल पहले का कश्मीर के ऊपर बोला था, तो भारत ने क्या किया था, पाम ऑयल इंपोर्ट हमारा वो बंद कर दिया था, बिल्कुल किस तरह से ताल्लुका तो कहाँ वो घुटनों पे आ गए थे। तो ये चीजें ना समझने वाली हैं, यहाँ के जो जितने हमारी पॉपुलेशन है ना उनको इस चीज को समझना होगा। और एक सर आपने शुरुआत में एक जिक्र किया था
कि आपको किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर ने बड़ी ही एक जज्बाती तौर पर उन्होंने दिखाया कि मेरे 97 जो ऑडियंस है वो भारतीय हैं, लेकिन क्या उन्होंने ये बताया परसेंट इन 97% व्यूवर्स जो हैं वो भारतीय हैं, पर वो आपको ये नहीं बताएंगे कि उन 97 में शायद 96% व्यूवर्स जो होंगे वो हिंदू होंगे, वो हिंदू हमारे देश का जो हिंदू मेजोरिटी है, मैं यहाँ खुलकर ये बात कर रही हूँ क्योंकि समझने वाली है, एक हेयर लाइन डिफरेंस है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। और जो दाऊद इब्राहिम वाले केस में हमने समझा, जो आपने और जुनेद भाई ने बड़े तफसील से उस पर बयां किया है कि एक घंटे में कहाँ से कहाँ पहुंचाया जा सकता है भारत में, क्योस्क क्रिएट करके, एक उलझन, एक कंफ्यूजन, एक मिसगाइडेंस को क्रिएट करके। तो आपने वहां 97 का उन्होंने जो जिक्र किया, तो वहां पर सारे हिंदू हैं, और हमारा जो देश का मुस्लिम मेजोरिटी है वो क्या देखता है, पाकिस्तानी मौलवियों को देखता है। ये मैं खुलकर कह रही हूँ क्योंकि मैंने खुद तो देखा खेल है, रहा मेरे है, खुद क्या के नाम है एग्जाम्स। उसका? गुरु को असर हाँ आलम जी, बहुत सारे पाकिस्तानी मौलवी हैं जिनको भारत में बहुत सराहा जाता है, जिनको बड़े रेस्पेक्टफुली देखा जाता है, जिनके खिलाफ यहाँ पे कोई बात नहीं सुनता, लेकिन मैं हमारी मेजोरिटी के बहुत सारे लोग देख रहे होंगे। प्लीज ठंडे दिमाग से, तहमुल से बैठ के सोचिएगा कि एक्चुअली आपके साथ करने की कोशिश क्या की जा रही है। आपको उससे कोई फायदा नहीं होगा, ना ही आपको इकोनॉमिकली कोई फायदा होने वाला है, ना ही आपको सोशली कोई फायदा होने वाला है, ना ही आपकी इमेज अच्छी होने वाली है, बल्कि आप अपने देश के खिलाफ ही कहीं ना कहीं जा रहे हैं, क्योंकि हमारे देश का मेजोरिटी मुस्लिम वहां के मौलवियों को देख रहा है, वहां के रिलीजियस लीडर्स को देख रहा है, और हमारे देश का मेजोरिटी हिंदू वहां के यूट्यूबर्स गैंग को देख रहा है, सो कॉल्ड सहाफियों को देख रहा है। तो ये चीज यहाँ समझनी जरूरत है कि ये जो फिफ्थ जनरेशन और सिक्स जनरेशन वॉरफेयर है, यहाँ फील्ड बदल चुका है। अब बेसिकली हम वर्दी में नहीं लड़ रहे हैं, हमारे सैनिक अब वर्दी में लड़ रहे, उससे ज्यादा खतरनाक हो गया है ये बिना वर्दी की लड़ाई जो चल रही है। और ये सिर्फ ये नहीं है, सोशल मीडिया, इसमें बहुत सारी चीजें आ सकती हैं, इस पर ये नैरेटिव बिल्डिंग हो गई, रूमर्स हो गए, प्रोपोगेंडा क्रिएट करना हो गया, डॉक्यूमेंट्रीज हो गई, पॉडकास्ट हो गए, और इसके अलावा आप क्या इसमें ऐड कर सकते हैं, और जो भी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं आज की मॉडर्न टेक्नोलॉजी से रिलेटेड, वो सब इसके अंदर आ रहा है। मैं कुछ कुछ चीजें लिखती भी जा रही थी कि ये सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया हो गया, मेन स्ट्रीम मीडिया हो गया, वहां पर क्या चीज चल रही है और यहाँ पर क्या चीज चल रही है। हम जो है बेसिकली यहाँ पर बलूचिस्तान को लेते हैं, पीओके पे बात करते हैं, पश्तून तहफ्फुज़ मूवमेंट पे बात करते हैं, सिंध मूवमेंट पे बात करते हैं, इन तमाम चीजों पे, बट क्या हमारी मीडिया उस तरह से पाकिस्तान के जो रिलीजियस माइनॉरिटीज हैं उनका इश्यू उठा पाती है? क्या हम इतना अभी स्ट्रांगली इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर जाके चीखते हैं, चिल्लाते हैं? इनकी वो कौन थी, मुझे नाम जहन से निकल रहा है, जिन्हें जिन्होंने इसराइल का फोटो दिखा के कहा था ये कश्मीर का फोटो है, मसला जी। हाँ, तो वो लोधी साहिबा ने क्या किया था कि उन्होंने एक दूसरे कंट्री का की इमेज को भारत के ऊपर किस तरह से थोपने की, किस तरह से लगाने की कोशिश की थी, तो वो देख, वो तो उनकी फजीहत हो गई थी, लेकिन पाकिस्तान में यूट्यूबर्स के जरिए, सहाफियों के जरिए बड़ी तेजी से ये काम, और ये बहुत अच्छा रहा उन लोगों के लिए, यहाँ पर वो फिट हो गए एकदम, यहाँ पे वो काफी हद तक सक्सेसफुल हो चुके हैं। ये क्या अरेस्ट होता है, ये किस तरह की गिरफ्तारी होती है? आपको बुरा लगेगा लेकिन ये बात सच है कि आप जो कर रहे हैं बहुत गलत कर रहे हैं, क्योंकि इमरान रियाज खान साहब थे, उसे कहते हैं गिरफ्तारी, किस हश्र में गायब हुए थे और किस हश्र के साथ वापस आए, बताइए आप। ये होता है रातों रात गायब हो गए, उसके बाद किसी को कुछ नहीं पता, पाकिस्तानी मीडिया उस पर क्या बात किया, भारत में क्या बात हुई, कितने तस्करे किए पाकिस्तानी यूट्यूबर्स ने, कितने पॉडकास्ट किए, एक वो इनकी अरशद वो है शरीफ को तोता, केन्या में जाके मारा इन्होंने, अरशद शरीफ को बिल्कुल केन्या में जाके, जी। तो ये और एक तमाम वो चीजें बलोच हम, बलोच लेडी थी उसको कनाडा के अंदर गोली मार दी, करीमा करीमा बलोच, करीमा बलोच बलोच। ये वो कम्युनिटी, वो आईएसआई जो लोगों को विदेशों में नहीं छोड़ रही, वो अपने बिल्कुल देश के अंदर इतना खुला छोड़ रही है। खैर, इसमें भी डिस्कस करता हूँ, आप यास्मीन जी बताइए, मजा आ रहा है? जी, बात मजे की नहीं है, बात यहाँ पे नहीं बहुत नहीं मजा सोचने आ की रहा है, है, वजन क्योंकि सुनने के अंदर समझ में आ रही है चीजें कहाँ है। जी, बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं जब ये चीजें देखती हूँ, अब हमारे जवानों का, जब देखो सौरभ कालिया साहब का आप पढ़ें देखें, जब मतलब दिल सहर उठता है किस तरह की चीजें पाकिस्तान ने की थी, क्या कभी किसी पाकिस्तानी यूट्यूबर में ये हिम्मत हुई कि उनके ऊपर कोई पॉडकास्ट बनाए और क्वेश्चन करें? चलिए ठीक है, मैं कह रही हूँ सवाल ना करें, आपको उठा लेंगे, मार देंगे, काट देंगे, व्हाटएवर, लेकिन आप एक क्वेश्चन करें, अपने ही लोगों में एक अवेयरनेस, एक सेंस क्रिएट करें, आप अपनी जोम्बी आवाम को सोचने का मौका दें। नहीं, आप तो हमारी आवाम को कह रहे हैं कि आप देखिए हम आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं। आपने मौलवी साहब का जिक्र किया, वो मौलवी कहाँ के थे, वो भारत के थे या पाकिस्तान के थे? आपने नोटिस किया वो भारतीय थे? क्या कभी आरजू कादरी साहिबा ने किसी पाकिस्तानी मौलवी को बुलाकर उनसे सवाल किया है? ये मियाँ मिट्ठू है, मिट्ठू मियाँ है, व्हाटएवर, अभी इस पे हमने प्रोग्राम किया था विजय सर के साथ, तो उन्होंने बताया था, आरिफ अजकिया साहब ने बताया था कि किस तरह से उसकी आर्मी में, एस्टैब्लिशमेंट में कितनी पकड़ है, 8-8 साल की बच्चियों को ले जाया जाता है, उनको फिर वैलिड करार दिया जाता है उनके निकाह को, उनको दारुल अमान भेज दिया जाता है, उनके माँ बाप से मिलने नहीं दिया जाता है। किस पाकिस्तानी सहाफी में, यूट्यूबर्स में हिम्मत है कि उन पे सवाल करें?
ये तो जेन्युइन मुद्दे है ना, आप इन पे ही बात नहीं कर रहे हो। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है आपकी ट्रिक सक्सेसफुल हो चुकी है, आपका 90% 97% जो व्यूवरशिप है वो भारतीय हो चुका है। यहाँ आप एक घंटे में इस देश के अंदर आग भी लगा सकते हैं। एक जैसे कि आपने कहा, कोई भी इंफॉर्मेशन है उसे किस तरह से घुमा फिरा के पेश करना है, पाकिस्तानियों को वो ट्रिक आ चुकी है। और ये जो बच्चे हैं ना, ये बहुत खतरनाक साबित होने वाले हैं, ये बच्चे बड़े बड़ों को रुलाने वाले हैं अगर हम समय पर नहीं जागे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी यूट्यूबर्स बड़ा इस चीज का मुझे वो भी करने लगे थे, जैसे एक पाकिस्तानी यूट्यूबर साहिबा हैं, उन्होंने मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाया और उन्होंने मुझसे कहा कि हम एससीओ पे बात करेंगे। मैंने कहा एससीओ, अच्छा ठीक है, हम शंघाई कॉर्पोरेशन पे बात कर लेंगे। हम उनके साथ बैठ गए, लेकिन उन्होंने जब बात शुरू की, पता नहीं उन तक ये प्रोग्राम पहुंचेगा या नहीं, लेकिन जब उन्होंने बात शुरू की तो वो हिंदू मुस्लिम पे आ गई। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि वो मेरे शौहर ने कहा कि यास्मीन से इस पे सवाल करो तो तुम्हारा प्रोग्राम जो है वो ज्यादा हिट जाएगा। तो ये बात मुझे अजीब सी लगी कि ये क्या चल रहा है। अगर आप जनरली काम नहीं कर सकते हैं तो दुनिया में बहुत सारे काम हैं, आप वो कीजिए, आप ये सब छोड़ दीजिए। यहाँ पर आप बहुत बड़ी आवाम को मुतासिर करना छोड़ दीजिए, क्योंकि 140 करोड़ की जी जी जुनैद भाई कुछ कह रहे हैं। वो औरत थी क्या? इसलिए मैंने नाम टेढ़ा करके पूछा जी। तो अब हम देखिए, हम इनका इन पर भरोसा करते थे। हम भारतीय, हम इतने मतलब इस तरह के हमारे जहन होते हैं ना कि हम सबका सम्मान करते हैं, सब पे भरोसा करते हैं। हम कहते हैं कि चले ये कुछ कुछ अपने माशरे के लिए कुछ बेहतरी करेंगे, कुछ अच्छा करेंगे। अरे वाह, मैं भी शुरुआत में यही कहती थी जब इन लोगों के वीडियोस पे मैं कुछ बात करती थी, तो मैं कहती थी ये तो बड़ा अच्छा हो रहा है, पाकिस्तान से अगर इस तरह के लोग उठ कर आ रहे हैं, उनकी यंग जनरेशन इस तरह के स्टेप उठा रही है, तो हिम्मत का काम है। और ये इस तरह की चीजें कर रहे हैं तो ये कुछ बदलाव लाएंगे पाकिस्तान के अंदर। लेकिन फिर हमें समय के साथ पता चला कि नहीं, हम तो बहुत बहुत बड़े बेवकूफ हैं। हम तो इनको सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन ये तो हमारे कमर में, हमारी पीठ में छुरा भोंक रहे हैं, ये तो हमारे जहनों को कैद कर रहे हैं। तो वो जो आप कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड का जिक्र कर रहे थे ना, तो वहां पर जो लास्ट स्टेज आ जाती है अनकॉन्शियस माइंड, वो करने की कोशिश की जा रही है। बेसिकली हमारे साथ वो हो रहा है और बड़ी तेजी से हो रहा है, अफसोस हम लोग पहचान नहीं रहे हैं। तो ये जो मैंने ये जो लाइन कही है ना कि ये जो 97% जो व्यूवरशिप है वो हिंदू है, और जो 97% हमारे देश की मुस्लिम व्यूवरशिप है वो पाकिस्तानी रिलीजियस लीडर्स को है। अगर आप उनका डेटा चेक करवाएंगे तो यही निकलेगा, ये सच्चाई है, कड़वी सच्चाई है जी। मैं अब इसमें पता है किस कंक्लूजन में पहुंचा हूं। बहुत कम ऐसी डिस्कशंस होती हैं, पैनल डिस्कशंस खासकर, जिसमें पैनल तो खैर बड़ा नहीं है, हम तीन ही हैं, लेकिन इसमें एक कंक्लूजन पे पहुंचा जिसने मेरा दिमाग हिला दिया। और जो इस वीडियो को लास्ट तक देख रहा है और मेरी इस बात को समझ पा रहा है, वो इस चीज को कमेंट बॉक्स में जरूर लिखे। देखिए, मुझे कहानी समझ में आई कि एक ISI है जो हर कुछ साल में 1000 cut पॉलिसी के थ्रू अपने पैतरे हर दूसरे चौथे दिन बदलती रहती है। जुनैद भाई और मैं इस चीज में, आप भी यास्मीन जी इस चीज में एग्री कर रहे हैं कि पाकिस्तानी साइंस एंड टेक्नोलॉजी नहीं पढ़ते हैं, कुछ इतने खास नहीं पढ़ते, मैनेजमेंट और ये सब चीजें नहीं पढ़ते। ये लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी और ह्यूमन साइकोलॉजी। इस ह्यूमन साइकोलॉजी की परफेक्शन का एग्जाम्पल अगर हम देखें तो ब्रिटेन के ग्रूमिंग गैंग्स इसका परफेक्ट एग्जाम्पल है, जो 13-13 साल की लड़कियों को जिस तरीके से ग्रूम करके उनको यूज करते हैं, सेक्स स्लेव्स बनाते हैं, पहले खुद यूज करते हैं फिर दूसरे को गिफ्ट कर देते हैं, उसको यूज करवाते हैं फिर तीसरे को गिफ्ट कर देते हैं। सुएला ब्रेवरमैन जैसी जो हैं वो इसके ऊपर डिस्कस कर रही हैं। पाकिस्तान अभी इसके वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसके अंदर एक ग्रुप खड़ा हुआ है, भले ही वो बहुत कम छोटा सा है, लेकिन वो ये कह रहा है कि अवर चिल्ड्रन आर नॉट हलाल मीट, वो ये स्लोगन दे रहे हैं और लंदन के अंदर ये प्रोटेस्ट हो रहे हैं। तो ये असलियत में अब समझ में आए, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं ये असलियत में उनकी साइकोलॉजिकल जो पार्ट है और जो साइकोलॉजिकल परफेक्शन है, जो उनकी कंट्री में कहो बाय बर्थ इनको मिल गई या बाय ट्रेडिशन मिल गई, बाय प्रैक्टिस मिल गई, वो अब वहां पर नजर आ रही है। लेकिन अब इसी साइकोलॉजी के दो पार्ट्स मुझे आपकी, ये जो पाकिस्तान की ISI के नजर आए, वो पाकिस्तान की ISI क्या थी? पाकिस्तान की ISI ने दो पिलर्स खड़े किए जहां मुझे अब समझ में आया। पहला मौलाना क्लास, कौन सा वाला जो था वो भूरो को पता नहीं क्या बना दिया उसने, तारिक जमील, मौलाना तारिक जमील से लेकर और इसरार अहमद से लेकर जो भी XYZ है, ये सारे के सारे एक से बढ़ के एक मौलाना, इनको हीरो बनाया गया। और सोचकर देखिए, आमिर खान जैसे जब उनको अपना गुरु मान ले तो हीरो का लेवल एक्सटेंड क्या होगा, अब आप अंदाजा लगाकर देखिए। एक यानी इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन को, जैसे यास्मीन ने बहुत बढ़िया तरीके से बताया, इंडियन मुस्लिम पॉपुलेशन को तो उन मौलानाओं के कंट्रोल में रख दिया कि 90 और इस लेवल पर तारिक जमील जैसे लेवल पर इंडिया का एक भी मौलाना नहीं है सर। है, लेकिन हमारे यहाँ लोग उनको सुनना नहीं चाहते,
मौलाना वहीदुद्दीन खान है, उन लोग उनको सुनना नहीं चाहते। वो फिर इंडिया वाली बात करते होंगे ना, प्रो इंडिया। भाई क्यों सुनेंगे प्रो इंडिया, लोगों को जहर नशे की तरह लगता है, पसंद आता है, और साइकोलॉजी तो मैटर करती है। अब उसमें तारिक जमील बोलने के मामले के अंदर डोमिनेट करता हुआ नजर आता होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं यही चीज नतीजे पर निकला कि असलियत में आईएसआई ने क्या किया, दो पिलर्स खड़े किए गजब वाले। एक जो मौलानाओं का है, मुसलमानों को अपने कंट्रोल में लेने का, और दूसरा है जो हिंदू जनता को टारगेट करने के लिए शोएब चौधरी और एक दो जैसे लोगों को खड़ा किया गया। भले ही अभी शोएब चौधरी उस लेवल पर नहीं पहुंचा कि हिंदू जनता का एक बड़ा लेवल टारगेट कर सके, लेकिन फिर भी अगर 17 लाख सब्सक्राइबर है और 2-2 मिलियन अगर व्यूज जा रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब क्या है? इसका सीधा मतलब ये है कि जब ये 5 और 6 मिलियन के आसपास पहुंचेगा तो उसकी एक हिंदुओं में व्यूअरशिप होगी। मेरे को अब हिंदुस्तान की जनता से सवाल पूछने हैं कि सोचकर देखिए, मुस्लिम्स का जो रोल मॉडल है या उसको आगे बढ़ाने वाला बंदा है, वो तारिक जमील जैसा बंदा है जो एक बड़ी हिंदुस्तान के मुस्लिम्स की फॉलोवरशिप लेके बैठा हुआ है, और दूसरी तरफ शोएब चौधरी और आरजू काजमी जैसे बंदे हैं जो बहुत बड़ी मुस्लिम हिंदू पॉपुलेशन को अपने कंट्रोल में लेके बैठे हुए हैं। यानी आईएसआई ने दो पिलर्स खड़े किए और दोनों के दोनों एक हिंदुओं को कंट्रोल करके बैठा हुआ है, एक मुस्लिम्स को। और अब अगर आईएसआई ने एक नैरेटिव वॉर शुरू करना है और जहर बेसिकली ढोल दोनों साइड से भी बजा सकते हैं, एग्जैक्टली दोनों तरफ के ढोल बजना है, और ढोल बजेगा इंडिया का ढोल, दोनों तरफ से वो बजाएंगे, भारत का बाजा बजेगा उस चक्कर में। सरकार को सतर्क होने की जरूरत है, हमारी जितनी भी एजेंसीज हैं उनको सतर्क होना पड़ेगा। सरकार को सतर्क होगी उससे पहले पहले हमारी जनता को सतर्क होना पड़ेगा। सर जो आपने बोला उसको ओवर सिंप्लीफाई करूं और चीजों को, जो आपने एक पोल तो मुल्ला क्लास की बता दी, दूसरी जो 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 पोल है उसमें बेसिकली तीन डिवीजन है, तीन टाइप का सेगमेंटेशन है, जो यानी कि नैरेटिव वॉरफेयर की जो विंग है जो कि यूनिट 402 के अंदर आती है, हैदराबाद में उनका ऑफिस है, और रीजनल ऑफिस इनके लाहौर और पेशावर में भी है। तो बेसिकली क्या है कि एक तो इनका एमआई का है जो कि बुलेटिन इंटेलिजेंस का है, तो एमआई की जो प्रोपेगेंडा विंग है, एक छोटी सी प्रोपेगेंडा विंग है, वो प्रोपेगेंडा विंग का काम सिर्फ आर्मी चीफ का पीआर होता है, उससे ज्यादा वो कुछ कर नहीं रहे होते। हालांकि उसको पूरी आर्मी के लिए इन्होंने लाया था, लेकिन आज के टाइम पे सिर्फ वो आर्मी चीफ को लेके पीआर एक्टिविटी कर रही होती है। दूसरे नंबर पे आईएसपीआर आती है, आईएसपीआर काफी पावरफुल है, नो डाउट। इसमें भी दो विंग है, इंटरनल एक्सटर्नल विंग, ठीक है, और सी सेक्शन सी करके बोलते हैं इंटरनल विंग को, और डी एक्सटर्नल विंग को बोलते हैं ये लोग। तो सी सेक्शन सी में हामी ये जो जैद हामी टाइप के लोग हैं, सेक्शन सी में मोना आलम टाइप के लोग हैं, ठीक है ना, जो इंटरनल विंग है बेसिकली। अगर ओवर सिंप्लीफाई करूँ तो इंटरनल विंग में हार्ड कोर जो भारत को गाली देने वाले लोग उन्होंने तैयार करके रखे हैं, ठीक है, जो भारत को गाली देते हैं और अपने मुल्क के बारे में अच्छा अच्छा मीठा मीठा सब बोल रहे होते हैं, बोल लेते हैं हमारे मुल्क के खिलाफ साजिश हो रही होती है, और जो एक्सटर्नल विंग वाले हैं वो भारत को अच्छा बोल रहे होते हैं और पाकिस्तान के बारे में बुरा बोल रहे होते हैं कि देखे भारत में पाकिस्तान ही सब कुछ करा रहे हैं, ठीक है, तो ये एक साथ चल रहा होता है। तीसरी एक विंग है, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा एक्सट्रीम भी नहीं जाती, बहुत ज्यादा न्यूट्रल भी नहीं रहती, ठीक है, एक सटल वे में चल रही होती है, ठीक है, अपने आप को न्यूट्रल पोर्ट्रे करती है लेकिन होती नहीं है काफी हद तक इसमें जो लोग हैं। ये जो थर्ड जो पोल है ये एक अलग एजेंसी के लिए काम करती है, उसको आईएसआई बोलते हैं। अब हमारे यहाँ लोग जो है हर चीज को आईएसआई का एजेंट बोल देते हैं, लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर ये है कि आईएसआई और आईएसपीआर में डिफरेंस है। एक एस्पियोनाज की एजेंसी है और एक सबवर्जन एक्टिविटी के लिए है, आपका क्या बोलते हैं लोगों को साइओप्स खेलने के लिए जो बनाई गई है वो है आईएसपीआर, और हमारे यहाँ लोग जो साइओप्स वाले हैं उसको एस्पियोनाज का बोल देते हैं और एस्पियोनाज वालों को साइओप्स का बोल देते हैं। तो ये लोगों को बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं है। अगर मैं जो एस्पियोनाज वाले जो जर्नलिस्ट हैं जो कि यूट्यूब पर बैठे हुए हैं, बड़ी बड़ी शानदार शानदार बातें कर रहे होते हैं, उनके बारे में बिना नाम लिए बोलूं, QC नाम है इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जो उनका जो हेड है उसमें जो टॉप में आते हैं QC, C फॉर चीमा, ठीक है, तो
ये भाई साहब लंदन अमेरिका जाते हैं कैपिटल हिल में, और एक जर्नलिस्ट को पकड़ते हैं और एक पर्ची पकड़ाते हैं जब मोदी जी यूएस ट्रिप पे होते हैं। ठीक है, वो जो लेडी जर्नलिस्ट होती है उनका नाम सबीना सिद्दीकी है, और वो चिट में वो सवाल वो पूछती है भारत में माइनोरिटीज के कंडीशन के ऊपर। तो ये एक एस्पियोनाज एक्टिविटी कर रहे होते हैं पैरेलल में एज ए जर्नलिस्ट के खबर पे। इनके यूरोप अमेरिका का जो वो ट्रिप था समय अराउंड 50 लाख का एक्सपेंस आया था। 50 लाख का एक्सपेंस क्या है? कोई जर्नलिस्ट अपने कॉस्ट से बियर कर सकता है? इवन आज के टाइम में कोई कॉरपोरेट मीडिया हाउसेज भी नहीं बियर कर सकते, नहीं करते। तो हम आम भारतीयों को सोचना पड़ेगा कि ये चल क्या रही है, ये चीजें चल क्या रही हैं। आपने वो उस दिन की बात बोली जिस दिन इंटरनेट बैन हुआ था उस दिन वीडियो आ रहे थे। तो इनका वीडियो एक पर्टिकुलर बिल्डिंग है, आई नो द नेम ऑफ दैट बिल्डिंग, उसी बिल्डिंग में मोस्टली ये जो टॉप के जो ऊपर वाले जो है इनके वीडियो उसी बिल्डिंग से अपलोड हो रहे होते हैं। एडिटिंग अपलोडिंग का सारा काम एक ही जगह से हो रहा होता है, शूटिंग अपने घर पे वो करके दे देते। मैं कह रही थी इसमें एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी तो देखिए आपके जो भारत की मेजोरिटी कम्युनिटी को साधने के लिए बैठे हुए हैं तो वो लाल टोपी वालों को काउंटर भी वही कर रहे होते हैं। मतलब भारतीयों के लिए तो कुछ छोड़ो ही मत, हम उन्हें कोई क्या जवाब देंगे, वो लोग आपस में दोनों कैरेक्टर को अगर आप क्लोजली एनालाइज करो तो जायद हमीद का जो बॉडी अटायर जिस तरीके से डिजाइन किया, उसकी बॉडी लैंग्वेज जिस तरह से डिजाइन, लाल टोपी मिलिट्री जैकेट ठीक है ना, हार्डकोर टाइप का, और उसके बरस जो आरजू को लाया तो उसको एक सॉफ्ट स्पोकन पोलाइट कॉमिक ठीक है ना, पीछे किताब लगा दी, पीछे गौतम बुद्ध की मूर्ति लगा दी, जैसे बहुत ज्ञानी ठीक है ना, ओपन प्रोग्रेसिव ठीक है ना, सारा कुछ एक ही आदमी में पोट्रे करके दिखा दिया। ठीक है, ये मैडम अपने नाम का सही स्पेलिंग तक नहीं लिखती जानबूझ के, क्योंकि इनके इनका नाम का ये जो स्पेलिंग है ये सही नहीं है, एक्चुअल स्पेलिंग कोई और है जो डॉक्यूमेंट्स में इनके। ठीक है, हमारे पास कुछ तो है जो मैं अभी पब्लिकली बोलना सही नहीं है मेरे लिए, बट आई नो अ लॉट अबाउट हर। सिया है मैडम बेसिकली, मतलब पूरा स्ट्रेटजी पूरी प्लानिंग के साथ ये सब कुछ हो रहा है। अच्छे आईएसआई तो मतलब समझ इस मामले में, मैं कई बार इनके यूट्यूब चैनल पर भी कहता हूँ कि तुम्हारे यहाँ पर आईएसआई के अलावा कोई दूसरी ऑर्गेनाइजेशन है ही नहीं, और बुद्धि ही उन लोगों के पास है, बाकी सब बेबुद्धि के हैं, और सबसे बेस्ट बुद्धि वाले आईएसआई में बैठे और वो सिर्फ ताकत लगा रहे हैं इंडिया को बर्बाद करने की। और देखो हमने जो अभी डिस्कशन किया है पिछले 45-50 मिनट्स के अंदर वो यही तो है अल्टीमेटली, एक सोच कर देखो। यस सर, मेरी कुछ लोगों से बात हो रही थी तो उन्होंने मुझे बताया कि भारत में जिस लेवल का पेनिट्रेशन आईएसआई का है और आईएसपीआर का, उस लेवल पे चाइना का भी नहीं है, उस लेवल पे सीआईए का भी नहीं है। सीआईए का जो भी है वो पेड वर्क होता है ठीक है, लेकिन आईएसआई का ब्रेन वर्क है, लोगों को ब्रेन से कनेक्ट कर देते बिना पैसे दिए ठीक है। चाइना भी अगर भारत में कुछ कर रहा होता है तो वो भी सिर्फ पेड वर्क होता है, जो ऊपर के कुछ बिकाऊ पत्रकार लोगों को खरीद लेता है, कुछ ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट को खरीद लेता है, सीआईए वाले भी ऐसे ही कर रहे होते हैं, कुछ बिजनेसमैन अपने साथ रखता है जिसके थ्रू मनी लॉन्ड्रिंग बाकी चीजें हो रही होती है। लेकिन ये जो है ये ग्राउंड में घुसे होते हैं और ऐसे लोगों के बारे में, ऐसे लोगों को अपने साथ लेके चल रहे हैं जिनके बारे में कोई भी फाइलें नहीं होती, जिनके ऊपर कोई एफआईआर नहीं होती, कोई रिकॉर्ड ऐसे नहीं। इतने लो प्रोफाइल होते हैं इनके जो ऑपरेटिव्स होते हैं आईएसआई के आईएसपीआर के, तो ये हमारे लिए बहुत चिंता की विषय है। और आपने देखा होगा नू में जो दंगे हुए थे उसका कहां से नेक्सस निकल गया, वो मेवाती उसको समझ रहे थे भारतीय है और वो पाकिस्तान से बात कर रहा था और कहता था मैं मेवाती हूं। अच्छा एक इसमें इंटरेस्टिंग ये भी देखिए ना आपके आईएसआई का कितना फायदा है कि उनको हींग लगे ना फिट करिए दंग चौखा चौखा ना, तो उन्हें पेमेंट करना पड़ रहा है भाई, अच्छी कमाई आ रही है एक दिन इंडिया से कमा रहे हैं। हाँ वही मैं बोल रही हूँ कि उनको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ रहा है। अब पाकिस्तानी आर्मी के इतने सारे आप तमगे लगे देखते हैं, क्या आपने कभी देखा कोई पब्लिक रिएक्शन ऐसा आया हो जिसमें सवाल किया गया हो कि भाई तुमने आज तक कोई जंग तो जीती नहीं है, ये तमगे कहाँ से आए तुम्हारे, ये इतने सारे मेडल्स तो किस चीज के किस जंग के लड़े हुए हो, हर जगह तो तुम मुंह की खा कर आए हो, लेकिन कोई पब्लिक रिएक्शन ऐसा नहीं आता है। हमारे यहाँ सवाल कर दिया जाता है फौरन, पाकिस्तान में ऐसा कोई सवाल नहीं होता। एक दिन अगर ये क्या करते हैं, लाहौर मार्केट जाते हैं 3 किलो 5 किलो मेडल तोल देना, ले भाई तू कोर कमांडर है तेरे को आधा किलो देता हूँ, तू मेजर है 100 ग्राम रख ले मेडल, तो ये किलो के भाव में मेडल्स बांट रहे होते हैं, इधर से यहाँ तक लगा लिया, इधर यहाँ तक। वो नॉर्थ कोरिया में नॉर्थ कोरिया के अगर जनरल्स को देखोगे तो ऊपर से नीचे तक पूरा लटकाए रहते,
एक भी जंग जीती नहीं, पता नहीं कौन से बात का मेडल लेके घूम रहे होते। तो ये बेसिकली लाहौर के मार्केट से उठा देते हैं तो ये बल्क में, सर ने कहा ना ये सारा किलो के ब्रेन का भाव काम में। चल रहा है। साइकोलॉजी, अजीत अजीत डोभाल साहब ने कहा था कि ट्रेडिशनल वॉर लड़ना जो है वो अब काफी एक्सपेंसिव हो गया है, तो अब किसी कंट्री को डैमेज करने के लिए सिविल सोसाइटी का यूज किया जा रहा है, और पाकिस्तान के हवाले से ये बात की गई थी। और हैरानी की बात यह है कि हमारे देश का इतना बड़ा पढ़ा लिखा कम्युनिटी, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के लोग हों, मैं सबको ही बोल रही हूँ, इस बात को समझते नहीं है। वो लोग इतनी आसानी से मुतासिर हो चुके हैं, और अगर भारत सरकार ये फैसला ले दे कि सारे पाकिस्तानी, चाहे वो उनके सहाफियों के चैनल्स हैं, पब्लिक रिएक्शन चैनल्स हैं, या इनके मौलवी मुल्लाओं के चैनल से, सबको डिमोनिटाइज किया जाता है भारत में, आप देखिएगा अगले दिन क्या होगा। कोई एक चैनल पर बना दे मुझे वीडियो, पता चल जाए, क्योंकि करोड़ों का मुनाफा है। प्राइवेट में यूट्यूब के ऊपर खूब बिकेंगे, तब भी बिकेंगे यूट्यूब के ऊपर, फिर छोटी छोटी क्लिप्स वायरल होती फिरेंगी इनके प्राइवेट चैनल्स के ऊपर। ये तो बड़े अच्छे से गेम तो तब खेला भी गया है होगा। पूरा। हाँ बिल्कुल, बैटल फील्ड बदल चुकी है ना, वो सब सोशल मीडिया पे हो रहा है। ये फिफ्थ जनरेशन वॉर जो हम डिस्कशन कर रहे हैं, बेसिकली ये हथियार तो यही है ना, सोशल मीडिया। अमन की आशा चल रही है, ये बड़ी तेजी से चल रही है। एक तरफ वो कहते हैं हम भारत के साथ ताल्लुकात नहीं रखेंगे, कोई ट्रेड नहीं करेंगे, पाकिस्तान का ही होता है ना ये, लेकिन यूट्यूबर्स कहते हैं भारत के साथ अगर हम ताल्लुकात कर लें, ट्रेड कर लें, तो हम कितनी जल्दी हम तरक्की कर सकते हैं। तो ये तो वाइस वर्सा हो गया ना, कितना कॉन्ट्रडिक्शन है आपसी बातों में ही, लेकिन कोई सवाल करने वाला नहीं है, हमारे देश से ही कोई सवाल करने वाला नहीं है। अगर हम कर दें तो हमें ही गद्दार करार दिया जाता है। तो ये तो हमारा दुर्भाग्य है कि हम इस तरह से हमारे देशवासी जो है चीजों को लेकर चल रहे हैं, कि जो उनके साथ हो रहा है खेल, भाई हम तो संभल गए, हम तो रुक गए वहीं पर, हमने इनके चैनल पर जाना बंद कर दिया, इनको अपने चैनल पर बुलाना बंद कर दिया। नहीं, क्योंकि जाने हमारे में कोई समस्या नहीं, सुना के आएंगे उनकी एस्तेजी, नहीं, अपनी हम अपने पॉइंट चैनल अगर पर उनके बुला, चैनल पे भी जाके रखते हैं और वो भी 97% हिंदू ही देख रहा है, तो मैं तो रख के आऊंगा और उनको सुना के आऊंगा, बुलाएंगे। पाकिस्तान के जिन सहाफी की आप बात कर रहे हैं, यूट्यूबर सॉरी, तो उन्होंने मुझे इनवाइट किया था अपने चैनल पर, लेकिन मैंने उनको कहा कि आप पहले मेरे चैनल पर आइए। तो उन्होंने बोला कि हम फर्स्ट विजिट ऑफ इंडिया शुरू कर रहे हैं, आप पहले उसमें पार्टिसिपेट कीजिए, फिर मैं आपके चैनल पर आऊंगा। हमने मना कर दिया क्योंकि मुझे वो ठीक चीज नहीं लगी कि हम लाइव सब दिखाएं। वो बोले मस्जिद दिखाइएगा, थोड़ा रोड दिखाइएगा। मैंने कहा मुझे ये चीज ठीक नहीं लग रही है, आई एम सॉरी, मैंने आपसे पहले पूछा, आप मेरे चैनल पर आइए, हम कुछ सवाल करने हैं मुझे आपसे। उन्होंने एक साफ मना सेकंड, क्या कर दिया। दिखाएंगे लाइव? पर इन्होंने ये जो इनका बेसिकली पहले एक सीरीज फर्स्ट शुरू की विजिट थी ऑफ इंडिया, 8 महीने पहले, जिसमें ये क्या करते थे कि भारत के लोगों को अपने यहाँ इनवाइट करते थे और उनसे टारगेट करते थे, मुस्लिम लोगों को बोलते थे कि आप अपना मोहल्ला दिखाओ, अपने यहाँ की मस्जिदें और दिखाओ, लाइव लाइव हो, रिकॉर्डेड ना हो, सब कुछ हम यहाँ से पूछेंगे, आप वहां से दिखाओ। और एक साथ एक समय पर 4-5 यूट्यूबर्स ये कर रहे होते थे, एक गुजरात को कैच कर रहा होता था, एक महाराष्ट्र को कैच कर रहा होता था, एक केरला में बैठा होता था, एक यूट्यूबर के साथ कनेक्ट हुआ उत्तर प्रदेश में बैठा होता था। तो ये इस पे जुनैद भाई ने भी काफी बात की है। एक सेकंड, ये तो मुझे पता ही नहीं था, ये कब की है सर? ये 6-8 महीने पहले हुआ शायद, पिछले हाँ, साल तब मैंने हुआ, पॉडकास्ट वगैरह शुरू नहीं किया था ना, पिछले के पिछले साल भी, मैं आप समझो कि 2022 में हुआ था, अगस्त के आसपास, जुलाई अगस्त के नहीं, आसपास, 2023 का है, 2023 का है, दो तभी हजार तो पूछा तेईस था, का तभी है, नहीं 2023 का नहीं, मुझे मैसेज आया था ना इसका। अरे इट्स ओके, समझ में आ गई, 22 है 23 है, इससे फर्क नहीं पड़ता, किया है वो फर्क पड़ता है। हाँ किया था इन्होंने, खूब किया था, और काफी काफी मुनाफा हुआ, बहुत मुनाफा हुआ। और भारतीय जो हमारे साथ नहीं जुड़ेंगे, लेकिन वो इनके साथ जुड़े थे, खुशी खुशी जुड़े थे, लाइव सर वीडियो हर्ष की दिखाई बात ये है कि मैंने देखा यास्मीन को लोग ट्रोल करके पूछते हैं, जब इसरो का जब हमारा सक्सेस आती है, कोई भी न्यू अचीवमेंट आती है, तो अक्सर काफी सारे लोग यहाँ केक काट रहे होते हैं, तालियां बजा रहे होते हैं, ठीक है, तो लोग इनसे पूछते हैं कि तुम कैसे मुसलमान हो, कि तुम ऐसा क्यों नहीं करते, मतलब हद है भाई, मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ तो क्या मैं ढोल पीटते रहूंगा कि मैं अपनी माँ से प्यार करता हूँ, मतलब केक तो मैंने भी नहीं काटा, तो इसका मतलब थोड़ा ना मैं मतलब गद्दार हो गया। हाँ, मतलब मैं भी सोचने पे मजबूर हो गया यार, ये मैम हम कोई गलती कर रहे हैं क्या, ये हम केक नहीं काट रहे हैं। और एक और चीज बता रहा हूँ, अभी रिसेंटली एक क्रिकेट मैच हुआ था, आईसीसी का मैच हो रहा था ना, जिसमें इंडिया फाइनल हार गया था, वो मैच से पहले काफी सारे इनमें से यूट्यूबर्स ने एडवांस पे वीडियो बना के रखे थे, ढोल पूरा रेस्टोरेंट बुक करके, केक वोक सब लेके, ये चना अहमद ने किया था, ठीक है, वो मैच इंडिया हार गया, इनको नुकसान हो गया, करीब 30,000 रुपये इन्होंने खर्चा किए थे इंडियन करेंसी में, पाकिस्तानी करेंसी में 90,000 होते। सारा नुकसान हो गया। अच्छा वो सेलिब्रेट करने वाली थी इंडिया की जीत को, एडवांस में वीडियो रिकॉर्ड करके रख लिया था कि इंडिया मैच जीत गया, बहुत अच्छा मैच रहा, बहुत शानदार, और बस वो भारत मैच जीतता और दो 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 मिनट के अंदर वो वीडियो आ जाती यूट्यूब पे। इनका बहुत इनको तेजी से चल पता रहा है, है। इनको पता है कि वीडियो उसी की चलती है जो सबसे पहले किसी टॉपिक पे वीडियो बनाता है, तो इसलिए बेहतर है कि एडवांस में ही रिकॉर्ड करके रख लो, हार जीत से क्या फर्क पड़ता है।
दाऊद इब्राहिम का जो न्यूज जब एक दिन पूरा हो गया था, तब मैंने जुनैद भाई से कहा, जुनैद भाई हम इस पे प्रोग्राम कर लें क्योंकि हमें तो बड़े गालियां पड़ रही हैं, कैसी यूट्यूबर हो, कैसी भारतीय हो, दाऊद इब्राहिम को मार दिया गया, तुमने कोई उसको जहर दे दिया, देखो आरजू साहिबा ने बना दिया। मैं हैरान हो गई कि ये कैसे, किस तरह की बातें लिख रहे हैं। मैं कम्युनिटी में शेयर करती थी, ये क्या आप लोग लिख रहे हैं, ये किस तरह का सोच है कि दाऊद इब्राहिम मर गया, अच्छा कन्फर्म है आपको मर गया वो, और हम उस पर प्रोग्राम बनाए, हमने क्यों बात नहीं की उस पर, तुम कैसी मुसलमान हो, तुम कैसी भारतीय हो, और हमारे देशवासी अच्छा, सवाल करते हैं। व्यूवर्स की जानकारी के लिए बता दूं, ये बेसिकली गेम प्लान क्या है कि सपोज कोई आदमी है जो एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है और एफएटीएफ का एक कंप्लायंस है कि ये आदमी को आप लीगली कुछ करो, और वो कुछ कर नहीं सकते क्योंकि वो स्टेट से भी ज्यादा पावरफुल आज के टाइम पे है, तो बेहतर है कि उसकी मरने की कोई खबर फैला दो या कुछ इस तरह से कर दो जिससे कि एफएटीएफ की लिस्ट से वो नाम निकल जाए। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ये सारी चीजें की जाती हैं कि एक अफवाह फैला दो कि वो मर गया, हमारे यहाँ लोग ढोल बतासे ताली सब पीटने लगते हैं, लेकिन जिनके ग्राउंड सोर्सेज हैं वो थोड़े टाइम में वेरीफाई कर लेते हैं कि हाँ ऐसा हुआ या नहीं हुआ, और ऐसे लोग रिप्लाई नहीं करते। अगर दाऊद की डेथ की खबर सच होती ना तो मुंबई में मातम मनाया जाता, जनाजा पढ़ाया जाता मोहम्मद अली रोड पे, ठीक है, मैंने भी फोन किया था कुछ, ठीक है, तो वो आपको मुंबई में पता चल जाएगा, आज भी मुंबई में बहुत सिंपथाइजर है दाऊद के, ठीक है। लेकिन तो भाई तब तक खबर तो बिक चुकी होती है, काफी मुनाफा हो चुका खबर बिक गई थी। दूसरी जो खबर आई थी मसूद अजहर की, जो मसूद अजहर ऐसी मेरी इन्फॉर्मेशन है, मैं कंफर्म नहीं करूंगा इस बात को, कि उनकी डेथ बालाकोट स्ट्राइक के टाइम में हो गई थी, ठीक है, लेकिन ऐसे फिर मैं बता रहा हूँ मेरा थॉट प्रोसेस है कि भारत सरकार ने सोचा कि ये जब मर गया तो क्यों इसको मैं बताऊं कि मर गया, एफएटीएफ की लिस्ट में जिंदा रहेगा पेपर पे और हमेशा इनको डसते रहेगा कि हाँ ये बंदा कहाँ है इसको प्रेजेंट करो। कोई बात नहीं, अभी नेटवर्क प्रॉब्लम आ गई है, लेकिन ये डिस्कशन बहुत जबरदस्त रहा। हाँ सर सर सॉरी डिस्कनेक्ट हो गया था, तो वो जो गेम प्लान था कि दोबारा डिस्कनेक्ट हो गया। आवाज नहीं आ रही है। बेसिकली ये पूरा पूरी प्लानिंग के साथ चल रहा है सर, जिसे हम अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि हम लोग नहीं समझ पा रहे हैं, और अगर कुछ लोग समझ जाते हैं तो उनको ही गलत करार दिया जाता है, तो ये एक बहुत खतरनाक लेवल है। सही है। नहीं नहीं, मैं वो नहीं कह रही कि करार देते, लेकिन ये गलत चल रहा है ना सर। अगर इस तरह से हमारे देश में 10 लोग खड़े होंगे और उनको कहा जाएगा नहीं आप गलत है, वो लोग जो बोल रहे हैं वो सही है, तो ये एक तो ये तो पूरा एक स्ट्रेटेजी के तहत हो रहा है ना, तो ये तो गलत हो गया। उस लेवल पर जाकर अगर चीजें होंगी तो ये हमारे लिए आगे बहुत खतरनाक है, हमारे देश के विकास के लिए, हमारे देश में अमन और सौहार्द कायम करने के लिए, ये चीजें जो है उनके लिए पॉजिटिव शुरू किया। जरा सा नैरेटिव शुरू किया भाई, 50 लाख लोगों के पास उनकी रीच है, उन्होंने जरा सा नैरेटिव शुरू किया, और जैसे ही वो नैरेटिव शुरू होगा इंडिया में तो दंगे भड़क जाएंगे, और पता लगा वो दंगे भड़के उससे पहले पहले, और दुनिया तो एक वर्ल्ड वॉर 3 के एज पे है, और यहाँ पता लगा इंडिया बॉर्डर पे सेना भेज रहा है और यहाँ दंगे हो रखे हैं। अब 2.5 फ्रंट पे पहले हाफ फ्रंट को सुलगा दो, बाकी 2 तो बाद में फ्रंट देखेंगे। एक पाकिस्तानी यूट्यूबर्स का आप गैंग को पूछिएगा कि ज्यादातर डोमिनेंस कहाँ का करते हैं, ज्यादातर यूट्यूबर्स जो होते हैं वो लाहौरी गैंग है, इनको लाहौरी गैंग बोला भी जाता है। ज्यादातर यूट्यूबर्स आपको कराची से, पाकिस्तान इससे, बलूचिस्तान से, इनके इनके सो कॉल्ड आजाद कश्मीर से, खैबर पख्तूनख्वा, आप वहां से कोई यूट्यूबर ऐसा नहीं देखेंगे जिसकी इतनी ज्यादा रीच हो। हाँ लेकिन लाहौर से ज्यादा देख रहे हैं, इस्लामाबाद और लाहौर इनके 2 मेन पॉइंट है, ये जहां से शो करते हैं। इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट हैं और लाहौर से यूट्यूबर्स हैं, यूट्यूबर और जो हाँ जो मैं इनकी सोसाइटी के फैब्रिक को जिस लेवल पे मेरी जो अंडरस्टैंडिंग है, अगर ये इस्लामाबाद मतलब मैं इनके लिए एक सजेशन दे रहा हूँ, अगर इनको नैरेटिव वॉरफेयर अच्छा चलाना है और अच्छा पॉइंट रेज करना है, लोगों के दिमाग के साथ खेलना है, तो बजाय कि ये लाहौर अगर कराची में कर रहे होते हैं ना, तो कराची के लोग थोड़े पढ़े लिखे हैं, मॉडरेट हैं। हाँ कराची से कोई नहीं है पब्लिक में जाते, तो मैं समझ गई जुनैद भाई सही कह रहे हैं, वहां से अगर प्रोग्राम करेंगे तो। हाँ क्योंकि लाहौर में अनपढ़ लोग ज्यादा मिलेंगे, लाहौर में कराची में आपको नहीं मिलेंगे, क्योंकि मुहाजिर जो है पढ़ी लिखी कम्युनिटी है, तो वो उनका जो व्यू पॉइंट है वो पूरी दुनिया का ग्लोबल एक्सपोज है उनका, तो थोड़ा सा आपको बैलेंस मिलेगा। इनका पंजाब प्रोविंस जो है वो डोमिनेंस करता है हर एक चीज में, चाहे वो मीडिया का क्षेत्र हो, चाहे यूट्यूबर्स के इस तरह का गैंग के, इनकी आर्मी देखते हैं। एक बात है जनरल, ये लास्ट, हालांकि हम 1 घंटे तक पहुंचने वाले हैं, लेकिन एक बात बताओ, इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट, लाहौरी गैंग, यूट्यूबर्स, ये क्या है?
सर सेंटर ऑफ पावर के आसपास ही है ना सब कुछ होगा, हाँ ये बात ताकि भी और तब सही भी कुछ नहीं होता, तब भी उन्हें कुछ नहीं होता, ध्यान है। दीजिएगा, हाँ गौर कीजिएगा जरा। दूसरी, मैं जो लास्ट में जो पॉइंट रेज कर रहा था जो कि मसूद अजहर के ऊपर था, कि ये जो इन्होंने ये न्यूज फैलाई थी और भारत सरकार ने इसको भाव इसलिए नहीं दिया कि अगर हम दे देते तो वो एक कंप्लायंस खत्म हो जाता, और बीच में जब एफएटीएफ का एक और एक बार सेशन आया था तो ये जो मैडम है आरजू कादमी साहिबा, हालांकि हमें पता था उस वक्त उसकी डेथ हो गई है, उस वक्त वो खबरें चला रही थी, 1.5 साल पहले की वीडियोज आपको मिल जाएगी, कि मसूद अजहर को तो किडनी का प्रॉब्लम हो गया, वो डायलिसिस करा रहा है इसलिए चल फिर नहीं सकता, इसलिए आ नहीं सकता। ठीक है, यही लोग थे जो लेके गए थे हाफिज सईद की फैमिली का फाइनेंशियल जो अकाउंट्स जो ब्लॉक हो गए उसको ओपन किया जाए, क्योंकि उसके जो बेसिक रिक्वायरमेंट वो फुलफिल नहीं हो पा रहे, यूएन में ले गए थे, और मतलब क्या बोले, और भी बहुत सारी चीजें अभी के लिए रहने देते हैं। एक लेडी का मैं नाम लेना चाहूंगा, क्रिस्टीन फेयर करके, आप अगर पाकिस्तान को डीपली समझना चाहते हैं तो इनके वीडियोज आप देखें, इंग्लिश में होते हैं मोस्टली, हालांकि इनको उर्दू की काफी अच्छी नॉलेज है, पश्तो की काफी अच्छी नॉलेज है, हालांकि इनका इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्शन का टेक्निक थोड़ा सा ऐसा थोड़ा कंट्रोवर्शियल रहा है, तो इनके काफी राबते रहे जनरल्स के साथ, और उनके राबते की वजह से इनको काफी सारी खबरें मिलती थी, वो वहीं पे थी काफी टाइम तक, और ये सबसे प्रोमिनेंट लोगों में से थे और पुरानी लोगों में से हैं जिन्होंने पाकिस्तान की सोसाइटी, हाफिज सईद, इन चीजों के ऊपर काफी अच्छा लिटरेचर वर्क करके दिया। तो जब ये ऐसे घूम रही थी, बेवकूफों की तरह पोट्रे कर रही थी, और लोगों को नहीं पता था कि इनको पश्तो भी आती है उर्दू भी आती है, सिर्फ लोगों को लगता था कि इसको तो इंग्लिश आती है, और जनरल साहब लोग भेज देते थे अपने साथ लड़के कि जाओ इनको घुमा के लाओ मुरीद के, जैस का कैंपस दिखा के लाओ, और उधर पश्तो में लिखा होता था कि भारत की बर्बादी तक जंग जारी रहेगी, और वो पूछती थी कि ये क्या लिखा है, तो वो बोलते थे कि यहाँ पे तो कुछ और लिखा है, और ओ करके वो बेवकूफ इंटेंशनली बन जाती थी। फाइनली जब वो लास्ट टाइम अपना वीजा लेने जा रही थी, जब पाकिस्तान जाने वाली थी, उसके बाद से वो हाफिज सईद पे बुक लिखने वाली थी, तो इनके जनरल्स को कहीं से वो खबर मिल गई थी। फिर डिस्कनेक्ट हो ये गया सही काट आएगा इसके फोन पे। बेसिकली सर। ये जो फिफ्थ जनरेशन और सिक्स्थ जनरेशन वॉरफेयर का चल रहा है, ये हथियार बदल चुका है। अब ये सोशल मीडिया का जमाना आ चुका है, अमन की आशा जो है वो अब इस तरह से चलाइए। आइडियोलॉजी को किस तरह से, मैंने कहा था ना कि एक एक लड़ाई का क्या प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहेगा, कि हम अपनी विल को सामने वाले पर कैसे थोपे। अब उसका तरीका बदल गया, उसकी परिभाषा बदल गई, और अब नई परिभाषा में पाकिस्तान को ये बहुत अच्छा मिल गया, उन्हें किसी को पे नहीं करना पड़ रहा है, किसी यूट्यूबर को भाई सर तुम्हारी मेरा कमाई पर भी वो अच्छी लास्ट है। लास्ट लास्ट पॉइंट वही था जी 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 कि जी भाई वो जो मैडम थी जब वो एम्बेसी गई वीजा लेने के लिए, तो एडवांस में एक जनरल साहब पहुंच गए इधर से, और एम्बेसी में जाके उनको बोलते हैं कि तू दोबारा इधर, कुछ प्रॉब्लम है नेट में। कोई बात नहीं। हाँ ये फाइनली यही है कि इस टाइम पर सिचुएशन जो है वो काफी ज्यादा क्रिटिकल है, बिल्कुल काफी बिल्कुल क्रिटिकल है। चलो ठीक है, अभी जुनैद भाई की लास्ट लाइन सुन लेते हैं, वो दोबारा आएंगे कोशिश करके, और फिर उसके बाद इसको अंत करें। आज आप भी लेट हो गए हैं, और कितने, चलो ठीक है, 1 सेकेंड, सॉरी सर, ये पता नहीं क्यों कॉल आ रहा है मुझे बार बार, तो सर हाँ कॉल वो आ रहे हैं। हाँ कुछ इमरजेंसी प्रोटोकॉल होंगे, देखना पड़ेगा कि क्या आग लगी है इस बार, तो कुछ ना कुछ तगड़ा इन्फॉर्मेशन आ रहा है। तो बेसिकली वो जो जनरल साहब थे वो क्रिस्टीन फेयर को बोलते हैं कि तू अगर दोबारा गई तो तेरा गैंग रेप करेंगे, तो ये इतने सेंसिटिव होते हैं अपने इंटरनल इन्फॉर्मेशन को लेके। तो क्या आपको लगता है कि मतलब अगर एक अमेरिकन सिटीजन के बारे में ऐसा बोल सकते कि तेरा गैंग रेप करा देंगे, तो क्या एक पाकिस्तानी सिटीजन की इतनी मजाल की इतने इतनी बड़ी बड़ी बातें कर ले? बिल्कुल बिल्कुल। और वो बैठ के बताएं कि हम कहाँ से शो कर रहे हैं, वो कहती हैं हम इस्लामाबाद से शो कर रहे हैं, यूट्यूबर्स कहते हैं हम कौन सी लिबर्टी मार्केट में हैं, हम किस जगह खड़े हैं, या मतलब कि आप अपनी लोकेशन भी बता रहे हैं, और उसके बावजूद भी पाकिस्तान जैसी धरती पर अगर आपको जरा भी खरोच नहीं आ रही है, तो डेफिनेटली आप किस तरह से प्लांटेड है, क्या हो रहा है, हमें समझने की जरूरत है। और ये इस वक्त जो ये फिफ्थ जनरेशन वॉरफेयर में है, ये ज्यादा खतरनाक है बरक्स पहले की। पहले आपको दुश्मन का मालूम होता था, आज के वक्त में आपको दुश्मन का पता नहीं है, लेकिन वो धीरे धीरे आपके जहनों में घर कर रहा है, तो वही चल रहा है सर। ये बहुत प्रोडक्टिव डिस्कशन रही है, आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट यास्मीन जी बहुत बहुत धन्यवाद, जुनैद भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद, अब इसके कॉल आ रहे हैं तो अगली लेवल पर ही अब इनसे बात होगी। तो आज जो डिस्कशन प्रोडक्टिव हुई है, उम्मीद करता हूँ भले ही कुछ भी व्यूज आए, लेकिन जो लोग सुनेंगे
वो लास्ट तक इसको जरूर देख के बताएंगे कि हाँ साहब हुआ तो ऐसा ही था। तो अभी के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद यास्मिन जी, जुनैद जी, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू, बहुत शुक्रिया सर। जय हिंद। जय हिंद।